Hi friends, welcome back to my channel Sonadi Diary. This is me Sweetie Chaudhary. I hope you all are doing great. So, आज मैंने अपनी बर्थडे वाला जो मेकअप लुक था उसे रिक्रिएट किया है. मैंने उस दिन ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया था क्योंकि डे टाइम में बाहर गई थी, तो आज मैंने वो वाला मेकअप फिर से ट्राई किया है. सो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसके साइड में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लेना मेरे नए नए वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए. तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स का फेशियल एसेंस. इट इज़ गुड फॉर ऑल स्किन टाइप. मेरी स्किन बहुत ही ऑयली है तो इंस्टीड ऑफ मॉइस्चराइज़र मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ. और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर. ये कंसीलर बहुत ही लाइट वेट है और मैट फिनिश देता है और वाटरप्रूफ भी है. इस कंसीलर को मेरे फेस पे जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ अप्लाई कर लूँगी, जैसे कि अंडर आइज़, नोज़, और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करूँगी. उसके बाद मैं अपना फेवरेट फाउंडेशन अप्लाई करूँगी जो है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन. जैसे कि आप सबको पता है ये फाउंडेशन बेस्ट है ऑयली स्किन एंड मीडियम टू फुल कवरेज के लिए. फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं इनसाइड का जो कंसीलर पैलेट है उसमें से मैं मेरे स्किन टोन के साथ जो मैच करता है उस शेड को मैं अपने अंडर आइज में अप्लाई करूंगी, देन फिर से ब्लेंड कर लूंगी. उसके बाद मैं फेस को कंटूर करूंगी इनसाइड लिक्विड कंटूरिंग से. फेस को कंटूर करने के बाद मैं अप्लाई करूंगी ब्लश. मैंने किस ब्यूटी का लिपस्टिक यूज़ किया है एज अ ब्लशर एंड बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो गया और देखने में भी परफेक्ट लग रहा है. देन मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का लूज पाउडर. लूज पाउडर को मैं अपने अंडर आइज, चिन, नोज एंड फोरहेड पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. अब मैं सेट करूंगी अपने आईब्रोज को. मैंने यहाँ पर यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल. अब मैं स्टार्ट करूंगी अपना आई मेकअप. आई मेकअप के लिए मैंने ब्यूटी ग्लेस्ट का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है. इस पैलेट में जो डीप पिंक शेड है उसे मैं अपने आई लीड पे अच्छे से अप्लाई करूंगी. डार्क पिंक शेड को अप्लाई करने के बाद मैं उसी पैलेट से जो लाइट पिंक शेड है उसे मैं अपनी पूरी आईज में ब्लेंड कर लूंगी. एंड लास्ट शिमरी शेड को मैंने इनर आई कॉर्नर में अप्लाई किया है. उसके बाद लैक्मे आईलाइनर की मदद से मैं एक थिक लाइन ड्रॉ करूंगी.
आईलैशेस को कर्ल करने के बाद लास्ट में मैं यूज करूंगी मेबलिन का मस्कारा। सो कंप्लीट हो गया है मेरा आई मेकअप। और लास्ट एक और चीज़ है जो है लिपस्टिक। मैंने यहाँ पर बेला वोस्ते अल्टीमेट लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ शेड इन डार्क फॉर्म। ये लिपस्टिक वाटरप्रूफ एंड स्मच प्रूफ है और ये लिप्स को वेलवेट मैट फिनिश प्रोवाइड करता है। एंड नाउ आई एम रेडी। कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कैसी लिख रही हूँ और मेरा ये मेकअप लुक आप सबको कैसा लगा। आई रियली होप दैट यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू डिड मेक श्योर टू गिव इट अ ह्यूज थम्स अप, कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट नोटिफाइड ईच टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। And I shall see you guys soon in my next video. Bye bye.